हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड 10 MCQs। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वट इज सिनोप्सिस ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि एक शोध परियोजना का सारांश क्या है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का सिनोप्सिस है ऑप्शन सी, इट इज़ द समरी ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, यानी कि यह शोध के निष्कर्षों का सारांश है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिसर्च इज, यानी कि अनुसंधान है, ऑप्शन सी, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना, यह है रिसर्च। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक्शन रिसर्च मीन्स, यानी कि कार्रवाई अनुसंधान का अर्थ है। एक्शन रिसर्च का मतलब है ऑप्शन ई, रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, यानी कि तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए एक शोध शुरू किया गया, वो है एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूड विद यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैश, यानी कि एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, इंडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर्स अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड द डैश, यानी कि वह समय अवधि जिसमें कोई अध्ययन किसी स्थिति या समस्या की पड़ताल करता है उसे डैश भी कहा जाता है। उसे कहा जाता है ऑप्शन ए, रेफरेंस पीरियड। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड डैश, यानी कि वैचारिक ढांचा जिसमें एक शोध किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। इनमें से उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, रिसर्च डिजाइन। क्वेश्चन नंबर एट में आपको बताना है, विच कम्स फर्स्ट, थ्योरी और रिसर्च। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, विच कम्स फर्स्ट, थ्योरी और रिसर्च। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा कलेक्शन मेथड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन डेटा संग्रह विधि नहीं है। इनमें से ऑप्शन ए, रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन बी, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग, सी, पोस्टल सर्वे क्वेश्चनेयर्स और ऑप्शन डी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये सभी क्या है, डेटा कलेक्शन मेथड है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गुणात्मक साक्षात्कार नहीं है। इनमें से क्वालिटेटिव इंटरव्यू नहीं है, ऑप्शन ए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और फ्रेंड्स इसके अलावा दो मेन टाइप हैं क्वालिटेटिव इंटरव्यू के, वो है अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।